हिंदुस्तान में कितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, ये सच्चाई धीरे धीरे ही सही लेकिन खुलने लगी है। ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा तक मंदिरों को ध्वस्त करने की साजिश का खुलासा हो रहा है, लेकिन कोर्ट की तारीखों में उलझे ज्ञानवापी को अभी अदालत के फैसले का इंतजार है। और अब विवादों की इस कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है, जुमा मस्जिद का, जहां मस्जिद की रिपेयरिंग के दौरान अंदर से निकल आया मंदिर। आप भी देखिए भेद खुलने के बाद भी कैसे इस मस्जिद को 600 साल पुराना बताने का खेल चल रहा है। ज्ञानवापी के बाद मैंगलोर में विवाद, मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने पर तनाव। उत्तर से दक्षिण तक कितने ज्ञानवापी, ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सुलझा नहीं कि मैंगलुरु की जुमा मस्जिद पर विवाद गर्मा गया है। मैंगलुरु के मलाली मार्केट में मौजूद जुमा मस्जिद के अंदर मंदिर का ढांचा मिलने से पूरे कर्नाटक में हड़कंप मच गया है। विवाद को देखते हुए प्रशासन ने यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन सवाल है वहां ऐसा क्या मिला जिसने इस नए विवाद को हवा दे दी है। तो इसके लिए आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक के मैंगलुरु के उसी जुमा मस्जिद, जहां 21 तारीख को पहली बार यह विवाद सामने आया था। April 21 यही वो दिन था जिस रोज पहली बार मैंगलुरु के मलाली का यह जुमा मस्जिद सुर्खियों में आया। कुछ दिनों से इस मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन उस दिन जैसे ही मस्जिद का एक पुराना हिस्सा मरम्मत के लिए तोड़ा गया, सामने आ गया मंदिर का ये ढांचा। कैमरे पर नजर आ रही ये तस्वीरें 21 अप्रैल को उसी मस्जिद के अंदर की हैं। आप देख सकते हैं सामने मंदिर का मंडप मौजूद है, और मंदिर के इसी हिस्से ने हिंदू संगठन के उस दावे को मजबूत कर दिया है कि यहां मस्जिद के नीचे मंदिर हो सकता है। हालांकि जैसे ही मस्जिद के अंदर दबा ये सबूत सामने आया, विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद प्रशासन ने फौरन मौके की नजाकत को देखते हुए मस्जिद की मरम्मत का काम रोक दिया और यहां भारी भरकम पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी। अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है, जहां आगे इस केस की सुनवाई होनी बाकी है। मंगलुरु के मलली इलाके में मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर ये डिस्प्यूटेड साइट है। आप देखिए यहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग है, मीडिया को यहां से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये मामला सिविल कोर्ट में फिलहाल चल रहा है। जो हरे रंग का कर्टन या त्रिपाल आप देख रहे होंगे, इसी के पीछे वो स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके बारे में हिंदू संगठन दावा करते हैं कि जब इसकी मरम्मत का काम 21 अप्रैल को किया गया, तब यहां पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जो इस बात के संकेत देते हैं कि यहां पर एक मंदिर नुमा ढांचा हो सकता है। उसके बाद से ये विवाद बढ़ा, सिविल कोर्ट में गया। कोर्ट ने इस मरम्मत के काम पर अभी फिलहाल स्टे लगा दिया है और 3 जून को इस मामले की सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो अपना अपना पक्ष रखें। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक कैमरे पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जो कमेटी, जो मस्जिद कमेटी के सचिव हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये दावा है कि ये मस्जिद 600 साल पुरानी है, यहाँ पर कायम है 1968 में, जब वक्फ बोर्ड को, मतलब सरकार के अधीन काम करने वाले वक्फ बोर्ड को ये ज़मीन दे दी गई थी, तब से यहाँ पर मंदिर मस्जिद में प्रेयर का काम भी चल रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उनके पास इस बात के तमाम वो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो इस बात को कोर्ट में साबित करेंगे कि ये मस्जिद थी। मलाली में मौजूद जुमा मस्जिद परिसर में कोई मंदिर है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने ज्योतिष की मदद से विवादित जगह से कुछ दूरी पर मंदिर में एक खास पूजा की। ज्योतिष शास्त्र में इस पूजा को तांबुला प्रश्न कहा जाता है। केरल और तटीय कर्नाटक में लोगों को पूजा की इस विधि पर गहरी आस्था है, और इसी विधि के जरिए केरल से आए ज्योतिष ने ये पता लगा लिया कि मलाली के जुमा मस्जिद में कोई मंदिर था या नहीं। आज की जो तांबुला प्रश्न पूजा है, उसमें इस बात का पता चला है कि वहाँ पर देवीय सानिध्य था। इसका मतलब इस बात के संकेत मिले हैं कि प्राचीन काल में वहाँ पर पूजा हुई होगी, लेकिन ये किस देवी देवता का मंदिर था,
और कितने सालों तक ये मंदिर वहाँ पर विद्यमान था, इन सब बातों का पता लगने के लिए ज्योतिष शास्त्र की एक और विद्या जिसे अष्टमंगला पूजा कहा जाता है उसका पालन करना होगा। उसकी तिथि अब बाद में तय की जाएगी, लेकिन इस पूजा के बाद इतना जरूर तय है कि हिंदू संगठनों को इस मसले को आगे ले जाने के लिए एक और बड़ा हथियार मिल गया है। तांबुला प्रश्न विधि के जरिए प्रश्नों का उत्तर मिलने के बाद अब हिंदू संगठन बेहद उत्साहित हैं। अब वो मंदिर को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं। अब तैयारी पूजा की एक और दूसरी विधि अष्टमंगला के जरिए कुछ और सवालों के जवाब जानने की है, जिसके बाद वो आगे की तैयारी करेंगे। हालांकि अभी अष्टमंगला पूजा की तारीख तय नहीं की गई है कि आज तांबुला प्रश्ना पूजा हुई, जिसमें आपको पता चल गया कि वहां पर एक मंदिर था। अब अगला ज्योतिष के हिसाब से आप और क्या क्या क्रम कदम उठाने वाले हैं? अभी आज सिर्फ ये पता चला है उधर देवता सानिध्य था, उधर भगवान है नहीं वो हमको मालूम होना चाहते था, लेकिन वो तांबुला प्रश्न में पता चला है शिव का उधर आराधन कर रहा था और भी देवी का शक्ति भी उधर था, वो ऐसा तांबुला प्रश्न में आ गया है। हमको अभी चाहिए और कितना साल पुराने का और उसका मूल कौन पूजा करता था, कौन सा फैमिली, कौन सा राजा और कौन सा मठ वो उसको पूजा करके आ रहा था, वो हमको पता चलना चाहिए। इसलिए हमने अष्टमंगल प्रश्न का अगले कार्यक्रम हम बनाए करेंगे, उसमें स्पष्ट आएगा कितना साल से काल का पहले वो मंदिर था और कौन सा मंदिर को संबंध था और कौन सा फैमिली को उसमें जुड़ा है, वो सभी जुड़ा है उसमें सभी वो पता चलेगा। आज जहाँ पर मैं मौजूद हूँ राम आंजनेया भजन मंदिर में एक खास पूजा की गई ज्योतिषी शास्त्र की मदद से, ये पता लगाने की कोशिश की गई कि उस मस्जिद में पहले कभी मंदिर था या नहीं। जिस ज्योतिषाचार्य को केरल से ख़ास तौर पर इस तांबुला प्रश्ना पूजा के लिए बुलवाया गया था, उन्होंने अपनी ज्योतिषीय गणना से आज ये बता दिया कि वहाँ पर शिव सानिध्य था, यानी वहाँ पर किसी देवी देवता के आराधना के संकेत जो हैं वो आज की ज्योतिषी गणना में पाए गए हैं। अब अगला क्रम जो होता है, जो केरल और इस कोस्टल कर्नाटका के लोग जिसे बहुत हद तक फॉलो करते हैं, वो अष्टमंगला प्रश्न होगा, जिसमें यहाँ के लोगों का दावा है कि ये पता लगा लिया जाएगा कि वहाँ पर किस देवी या देवता का मंदिर था और वो कितना पुराना था, उस मंदिर की स्थापना किसने की थी। एक तरफ आस्था की बात और दूसरी तरफ सिविल कोर्ट जहां पर यह मामला 3 जून को वापस सुनवाई के लिए आना है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो अपील भी कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष से कि वो इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि अब इस बात के सबूत मिलने लगे हैं कि वहां पर मस्जिद से पहले एक मंदिर था। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास भी वो तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जिससे वो ये कानूनी लड़ाई भी जीत सकते हैं। तांबुला प्रश्न पूजा के बाद हिंदू पक्ष अब मंदिर हासिल करने का पूरा मन बना चुका है, जबकि मुस्लिम पक्ष भी इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर गड़ाए है और विवादित मस्जिद के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं इस मामले में गुरुपुरा मठ के प्रमुख स्वामी राजशेखरानंद स्वामी जी ने इंडिया टीवी के जरिए मुस्लिम समुदाय से आपसी सद्भाव बनाए रखते हुए मंदिर हिंदुओं को सौंपने की अपील की है। जो दीवार था उसको तोड़ दिया, दीवार तोड़ने के बाद हमारा निशानी हमको लग गई, मीन्स उधर है बोल के हमको पता हुआ। पता होने के बाद हमारी जो परिवार संगठन है वो संगठन का मुख्यस्थ सब लोग उधर जाके बातचीत किया था, वो बातचीत करने के समय में उन लोग सौहार्दता में हम इसको ये करेंगे इलाज करेंगे बोल के मन में रख के उन लोग उधर बातचीत किया था, क्योंकि हमने जो सानिध्य है तो हम पूछता है, सानिध्य नहीं तो हम इसमें जाता नहीं, हम आप लोग का पास पूछता भी नहीं। उसके लिए हम इधर आज तांबुल प्रश्न रखा, तो तांबुल प्रश्न में क्या है, भगवान का सानिध्य है पूछा हमने तो है बोला। वो हमारा द्वादश राशि का जो भविष्य है ज्योतिष का, वो चंद्रमा और सूर्य का क्षितिज में हम जो वो ये करता है हम मौजूद करता है, तो इसमें हमको पता हुआ। अब क्या होगा, मतलब आपने ये पता लगा लिया कि वहाँ पर देवीय सानिध्य था, अब आप क्या अपील करेंगे? आप इस इलाके के बड़े मठ के प्रमुख हैं, तो आप कैसे अब मुस्लिम पक्ष को इस बात के लिए राजी करेंगे कि उस जगह को छोड़ दें? अभी उनका कुरान शरिया में ऐसा लिखा है
जो हिंदुओं का जग में जो भगवान का स्वरूप था, उधर स्वरूप में हम जो हमारा नमाज और वगैरह वगैरह जो व्यवस्था है वो जो हम नहीं करेंगे, तो अब उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मंदिर का निशानी में उन लोग मस्जिद बनाया तो मस्जिद हम तोड़ने का इरादा नहीं करता है, तो उन लोग ये बड़ा मन करके हिंदू समाज का बारे में उन लोग भी सोच के तो इसको सौहार्दता का बारे में उसको परिहार करना चाहिए बोल के मेरा हमारा मन है और हम भी वो चाहते हैं। बीजेपी के स्थानीय विधायक मस्जिद में विशेषज्ञों की मदद से सर्वे करवाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वैज्ञानिक तरीके से जो भी नतीजा सामने आए उसे दोनों पक्षों को स्वीकार कर लेना चाहिए। My opinion is that a proper survey should be done by a competent authority and a competent authority like archaeological department or some other competent authority should give a report regarding this. Let them do a survey. Let them tell what is it. You told me that they have documents 600 years ka document hai karke. Whatever, let them play. Whoever has a document, document should come out in the open. So everyone will know. There is no nothing to hide here. If it is 600, we'd like to know what was there before in 700 years. That's the point. The whole issue is that. If it is 600 years ke pehle kya tha karke. Utna hi, that is the mamla. There is nothing beyond that. एक तरफ वाराणसी की जिला अदालत में विवादित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में मस्जिदों के अंदर मंदिर होने के निशान मिल रहे हैं। और इस सबके बीच मुस्लिम नेता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई दे रहे हैं। बहरहाल कर्नाटक के मंगलुरु में एक बार फिर मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। उम्मीद है बुरखा विवाद से हलाल मीट विवाद तक विवादों के बवंडर में घिरा रहने वाला कर्नाटक इस मुद्दे को आपसी सद्भाव के जरिए सुलझा लेगा, वरना बेशक कर्नाटक एक बार फिर गलत वजहों से सुर्खियों में आ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।